बिल्कुल लूकरगंज का इलाका है और यहीं पे जो बात की जा रही थी कि माफिया की जमीन पे जो फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, जो जनता के लिए फ्लैट्स हैं, वो यही फ्लैट्स हैं। देखिए 76 फ्लैट्स जो हैं वो अब बन के तैयार हो रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यही वो फ्लैट्स हैं जो माफिया से छुड़ाए गए थे और यहाँ पे उसको ध्वस्त करने के बाद गरीब जनता के लिए जो फ्लैट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। देखिए आपको पूरे फ्लैट्स दिखाई देंगे और हर फ्लैट्स में जो है वो आपको दो कमरे मिलेंगे, एक वॉशरूम मिलेगा, एक किचन मिलेगा और इन्हीं फ्लैट्स को तैयार किया गया है माफिया अतीक से छुड़ाकर। और जितनी भी प्रॉपर्टीज है इस इलाके में जो कभी अतीक का दबदबा हुआ करता था यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए चमचमाती हुई बिल्डिंगें तैयार हो जा रही हैं जो आम जनता के लिए खुली हुई हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी हम बात करते हैं। भाई साहब पहले यहाँ पे क्या होता था? पहले यहाँ अतीक का ऑफिस हुआ करता था, अतीक का कार्यालय था, इस पे कार्यालय हुआ करता था। और अब कितने फ्लैट बन रहे हैं यहाँ पे? 76 फ्लैट बन रहे हैं। जरा दिखाइए क्या क्या है फ्लैट के अंदर। आइए हम एक बार तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि आखिर इन फ्लैट्स में क्या क्या बन रहा है। लूकरगंज का इलाका है और इसी तरीके से जो फ्लैट्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। और देखिए जब आप जैसे ही इस फ्लैट में एंटर करेंगे, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये क्या है? एक कमरा है, हाँ। एक किचन है सपोर्ट में, हाँ। और फिर एक कमरा ये बगल में है, हाँ। और एक बाथरूम है और एक लेटरिन है। अच्छा तो देखिए ये दो कमरे हैं और इसके बाद सामने किचन, इधर अगर मैं इधर कैमरा पर्सन को बोलूं इधर दिखाएं एक बार आपको, इधर लैटरिन और वॉशरूम बनाया गया है और उसके साथ ही हर एक फ्लैट में बालकनी भी दी गई है। अच्छा पहले जब यहाँ पे अतीक का कार्यालय हुआ करता था तब लोगों में डर होता था कि नहीं? जाहिर सी बात डर तो बरकरार रहता था, उसका माफिया था तो उनका दहशत पूरे इलाहाबाद में था। ये तो इनका कार्यालय था, अगल बगल वाले कुछ ज्यादा ही दहशत में रहते थे। इसमें अतीक का कार्यालय हुआ करता था? हाँ अतीक का कार्यालय हुआ करता था। कब तोड़ा गया इसको? इसको दिसंबर 2020 में शायद तोड़ा गया था। अभी कितना काम इसमें बचा है? इसमें काम लगभग वर्क कंप्लीट होगा, केवल फिनिशिंग का काम चल रहा है, पुताई रह गया है और नलकूप वगैरह जो है कमरे टू कमरे दौड़ाना है, टोटी वगैरह लगानी है और टाइल्स का काम थोड़ा बड़ा बकाया रह गया है। टाइल्स भी लगेंगे इसमें? हाँ टाइल्स बाथरूम में, किचन में और लैट्रिन में, तीनों में टाइल्स लगेंगे। देखिए ये वो फ्लैट्स हैं जिसमें टाइल्स भी लगेंगे, वॉशरूम बनाया जा रहा है देखिए यहाँ पे। इसके अलावा ये दो कमरे हैं और ये पूरी प्रॉपर्टी एक वक्त पे अतीक की हुआ करती थी, अतीक का साम्राज्य था ये, अतीक का कार्यालय था ये। और देखिए किस तरीके से जब योगी ने कहा था, मुख्यमंत्री ने, कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा माफिया को, यहाँ कार्यालय हुआ करता था उस कार्यालय को मिट्टी में मिलाया गया। और उस कार्यालय को मिट्टी में मिलाने के बाद देखिए ये जो इमारत है, इस इमारत को, इस फ्लैट को तैयार किया गया है और अब लगभग बताया जा रहा है कि अगले 6 महीने के बीच में ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो गरीब जनता है उसको ये फ्लैट जो है वो आवंटित किए जाएंगे। देखिए जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां करती है कि उस वक्त क्या माहौल था और अब क्या माहौल है, क्या फर्क आया है लोगों के बीच में। देखिए ये शानदार जो फ्लैट्स है, 76 फ्लैट्स है, एक एक रो में आपको दो दो तीन तीन फ्लैट्स दिखाई देंगे। और इधर भी देखिए काम चल रहा है, इधर तस्वीरों में अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहां भी देखिए जो फ्लैट्स हैं इसमें काम चल रहा है, सीमेंट रखे हुए, बोरे रखे हुए हैं और इसी तरीके से अमूमन चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यही फ्लैट्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक जो गैलरी है उसको भी छोड़ा गया है, ये देखिए यहाँ पे एक स्पेस भी छोड़ा गया है ताकि लोग जो आए वो यहाँ पे घूम सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा कंजस्टेड इलाका ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया है। और इसी तरीके से देखिए लगभग 76 इसमें फ्लैट्स बताए जा रहे हैं जो बनाए जा रहे हैं और शानदार, ऐसा भी नहीं कि कुछ ऐसा बना दिया कि टेम्पररी बेसिस के लिए, परमानेंट टाइल्स लगा के और जिस तरीके से जिस सामानों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी मजबूत किया जा रहा है। क्या क्या अंदर यूज हो रहा है, कौन कौन से क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? इसमें उच्च क्वालिटी के सारे मटेरियल यूज हो रहे हैं, मटेरियल से कोई समझौता नहीं किया गया है, सब नंबर एक के काम हो रहे हैं। कब तक बन के तैयार हो जाएगा ये? एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा, हैंडओवर हो जाएगा। एक महीने में अगर मैं बोलूं 2-3 महीने में लोग यहाँ पे रहना शुरू हो जाएंगे? हाँ जहाँ तक मुझे जानकारी है जुलाई तक में शायद इसकी लॉटरी सिस्टम, जो भी सिस्टम हो अब ऊपर वाले अधिकारी बता पाएंगे कैसा क्या है, लेकिन लॉटरी की जो सबमिशन डेट थी वो तो खत्म हो चुकी, 3,000 लोगों ने आवेदन किया है जिसमें से 76 लोगों का लॉटरी सिस्टम द्वारा निकाला जाएगा और उम्मीद है शायद दीपावली तक में सबको चाबी दे दी जाएगी। देखिए दीपावली में जब धनतेरस होता है, दिवाली होती है, जब शुभ चीजें इंसान खरीदता है
नई चीजें खरीदता है उसी में ये फ्लैट्स भी जो है, फ्लैट्स की चाबियां देने की बात कही जा रही है। काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, जो लास्ट फिनिश